जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे आपके शरीर के किस भाग में बसती हैं परमात्मा की शक्तियां। यहां रखिए हाथ, शक्ति मिलेगी। ये स्थान कौन सा है, आइए जानते हैं। जी हां, परमात्मा हमारे भीतर है। आपकी दोनों आँखों के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर परमात्मा की समस्त शक्तियों का वास होता है। यहाँ पर आप यदि अपनी हथेली रखते हैं तो ये स्थान जागृत होने लगता है, वाइब्रेशन मिलती है। जब आप अपनी हथेली यहाँ पर रखकर अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने ईष्ट या ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर शक्तियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और ये स्थान जागृत होने लगता है। यदि आप यहाँ पर अपनी हथेली रखते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन तेज़ी से बहने लगती है और आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका नियमित अभ्यास करने से आप में आध्यात्मिक शक्तियों का वास होने लगता है। जी हाँ, बहुत सारी शक्तियों का वास आप में होने लगेगा। आपको आभास होने लगेगा कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, सामने वाले के दिल में क्या है, ये सब आपको समझ लगने लगता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, यदि आप उसके इस स्थान पर हथेली रखकर जाप करें तो वह डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और अपने आप को स्वस्थ तथा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगेगा। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप जब हाथ रखते हैं तो बहुत राहत महसूस होती है, पूरे दिन की थकावट दूर होगी, आपको शांति मिलेगी और आप देखेंगे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन बड़ी तेज़ी से बही और आप स्वस्थ होने लगे और आप तेज़ी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। तो ज्ञान प्राप्ति का भी ये एक साधन है। इस स्थान पर हथेली रख आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं तथा अपने गुरु या अपने परमात्मा का जाप भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी जाप कीजिए या ना भी कीजिए। यदि आप जाप नहीं करना चाहते तो कोई भी जाप किए बिना मात्र हाथ रखकर आंखें बंद करके ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी हथेली से ऊर्जा उस स्थान में जा रही है। आपने महसूस करना है कि आपकी हथेली से कुछ निकल रहा है और आंखों के मध्य में जा रहा है, तो आप देखिए कितनी शक्ति, कितनी भक्ति, कितनी शांति आपको प्राप्त होती है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम समय समय पर बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको वैसा वीडियो मिलने लगेगी और आपका मेरे साथ एक रिश्ता बन जाएगा। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। यदि जन्म पत्री दिखानी हो तो उसकी फ़ीस होती है, ये फ़ीस हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को पेंशन देते हैं, गरीबों की मैरिज करते हैं, गरीबों के लिए हम दवा दारू का इंतज़ाम करते हैं या कोई और मुश्किल आने पर उनकी मदद करते हैं। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए, कृपया फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ